प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी आदतें। लिबास और जूते पहनने की सुन्नतें और आदाब। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्ते के नीचे तहबंद और चंद अस्हाब पजामा ज़ेब-ए-तन फरमाया करते। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिबास तब्दील करने से कबल फरमाया करते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी किसानी हाज़ा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिबास तब्दील करते हुए पहले कुर्ता तब्दील फरमाते, उसके बाद तहबंद तब्दील किया करते। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिबास तब्दील करते हुए पहले दाएं आस्तीन पहनते फिर बाएं, और उतारते हुए पहले बाएं फिर दाएं आस्तीन उतारा करते। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अस्हाब चमड़े के जूते इस्तेमाल किया करते। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पांव में जूता या चप्पल पहनना सख्त नापसंद फरमाते और अपना टूटा हुआ जूता खुद ही गांठ लिया करते। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूते पहनने से कबल उन्हें अच्छी तरह झाड़ लिया करते। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहनते हुए पहले सीधे पांव में जूता पहनते और उतारते हुए पहले उल्टे पांव से जूता उतारा करते। इस ब्रोशर के फवायद: 101 मरतबा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ने का मौका मिलेगा, 18 इकसाम की सुन्नतों और आदाब से आगही हासिल होगी, 110 से जायद सुन्नतें और आदाब सीखने का मौका मिलेगा, सुन्नतें सीखकर दूसरों को सिखाने का मौका मिलेगा, नाख्वानदा अफराद और बच्चों को पढ़कर सुनाया जा सकता है, अहबाब को तोहफे के तौर पर पेश किया जा सकता है, शादी बियाह और दीगर तकरीबात में तकसीम किया जा सकता है, बनियत ईसाल सवाब मसाजिद और महाफिल में तकसीम किया जा सकता है।